हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्यूब चैनल सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे सिमुलतला आवासीय विद्यालय के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। ठीक है, सिमुलतला आवासीय विद्यालय के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। आपको पता होगा कि सिमुलतला के लिए क्लास सिक्स का पीटी और मेंस का एग्ज़ाम तो हो चुका है। ठीक है, पीटी और मेंस का एग्ज़ाम ऑलरेडी कंडक्ट करवाया जा चुका है और ऑलरेडी इसका रिजल्ट भी आ चुका है। अब सवाल ये उठता है कि इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, इसमें हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। उसके बाद मैं अगला वीडियो लाऊंगा मेडिकल के लिए। ठीक है, तो पहले आप देख लीजिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन सारा डॉक्यूमेंट ले जाना है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मैक्सिमम जितना हो सके तो आप शेयर कर दीजिएगा। तो फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान देना है क्या है सिमुलतला विद्यालय क्लासिक्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ध्यान से एक एक चीज़ समझिएगा। पहला आपको ले जाना है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। ठीक है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट को हिंदी में कहते हैं आवासीय प्रमाण पत्र, या जिसे आप कहते हो निवास प्रमाण पत्र। आवासीय बोलिए चाहे निवास प्रमाण पत्र बोलिए, एक ही चीज़ है। तो ये आपको ब्लॉक से अपना बना लेना है। ठीक है, आपका ब्लॉक जहाँ भी पड़ता है तो उस ब्लॉक से आपको बना लेना है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा, मुश्किल से 10 से 15 दिन में यह आपका बनकर तैयार हो जाता है। तो ये आपको बना लेना है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, वो आप ध्यान से पहले समझ लीजिए। इससे पहले आप एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, आपका जो एडमिट कार्ड है ना, एडमिट कार्ड आप ध्यान से रखिएगा। ठीक है, आपका जो प्रवेश पत्र है, ठीक है, प्रवेश पत्र आपको ध्यान से रखना है, हो सके वो भी आपको खोज सकता है। ठीक है, तो एडमिट कार्ड को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वो भी आपको ले जाना है, एडमिट कार्ड को भी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा। सेकेंड क्या है, सेकेंड आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, कह रहा कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये कास्ट सर्टिफिकेट एसटी ओबीसी ये सब को लगता है कास्ट सर्टिफिकेट, ये भी आप ब्लॉक से ही बनाइएगा। ठीक है, ब्लॉक से आपको बनाना है। ठीक है, 10 से 15 दिन में ये भी आपको बनाकर दे देगा। ठीक है, तो पहले से ही आप डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करके रखिएगा। ठीक है, ताकि वहाँ पर कोई भी परेशानी ना हो। नेक्स्ट अब आगे आते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा। आगे है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ये भी आपको ब्लॉक से ही बनता है। ठीक है, ब्लॉक से बना लीजिएगा, ये भी आपको उसी लमसन में उसी टाइम में 10 से 15 दिन में ये भी आपको बनाकर दे देगा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा इनकम सर्टिफिकेट के बारे में। ठीक है, इनकम, तो इनकम सर्टिफिकेट आप ध्यान दीजिएगा, आपके जो पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है। अगर आपके पिताजी कमाते हैं, पिताजी अगर कमाते हैं तो आपके फादर का बनाना है। ठीक है, फादर को बनाना है उनका इनकम सर्टिफिकेट, क्योंकि आप तो कमाते नहीं तो आपका नहीं बनेगा, आपके पेरेंट्स का बनेगा, फादर है मदर है जो भी हो। ठीक है, तो फादर का यहाँ पर आप इनकम सर्टिफिकेट बना लीजिएगा, ब्लॉक से बनाइएगा, 10 से 15 दिन में ये भी आपको बनाकर रेडी रहता है। ठीक है, आपको दे देगा। ठीक है, उसका एक फॉर्म आता है, या तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, या तो आपको ऑफलाइन करना है तो आप ब्लॉक जाइएगा, ब्लॉक में फॉर्म मिलेगा, फॉर्म को फिलअप करना है, फिलअप करके आप काउंटर पर जमा कर दीजिएगा। उसके बाद वो आपको एक रसीद दे देगा। ठीक है, आपको रसीद के नीचे लिखा हुआ रहेगा कि कब किस तारीख को किस डेट को आपको आना है, तो उस डेट को जाइएगा, मुश्किल से 10 से 15 दिन में आपको बनाकर दे देगा, ऐसे 10 ही दिन में बनाकर दे देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब आगे आते हैं, आगे ध्यान दीजिए बैंक अकाउंट्स। ठीक है, अब देखिए बैंक अकाउंट्स में आपका जो भी, अगर पेरेंट्स का बैंक अकाउंट है तो पेरेंट्स का बैंक अकाउंट यानी खाता जो है वो आप बैंक अकाउंट्स दे सकते हो। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है, आप बैंक अकाउंट्स गार्जियन का ही दे सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे जो कि महत्वपूर्ण चीज़ है आपका है क्या, आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड आपका बना हुआ होगा तो आप आधार कार्ड ले जाइएगा, और आधार कार्ड का फोटोकॉपी भी। ठीक है, सब का देखिए फोटोकॉपी सभी का ले जाना है, जितना भी मैं इसमें डॉक्यूमेंट बताऊंगा सभी डॉक्यूमेंट को फोटोकॉपी भी ले जाना है। ठीक है, 3 से 4 फोटोकॉपी ज़रूर ले जाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब आगे आते हैं, फ़ोटो, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। फ़ोटो आपने जब पीटी या मेंस का फॉर्म भरा होगा, पीटी और मेंस का, ठीक है, पीटी या मेंस है जो भी रहे, ठीक है, पीटी में करके आपने शुरू में अप्लाई किया होगा, तो उस समय जो आपने फ़ोटो दिया है तो वही फ़ोटो आप लेकर जाइएगा।
ठीक है, वही फ़ोटो आपको लेकर जाना है, ठीक है। कम से कम तो 8 से 10 पीस ले लीजिएगा, ठीक है, 8 से 10 पीस फ़ोटो ले लीजिएगा। आप कहिएगा कि वो फ़ोटो मेरे पास नहीं है, तो आप देखिए खिंचा लीजिएगा, ठीक है, नया फ़ोटो भी खिंचा सकते हो। लेकिन मैं यही कहूँगा कि उस समय आपने जो फ़ोटो दिया है वही फ़ोटो ले जाइएगा तो बेहतर रहेगा, ठीक है। अगर नहीं मिल रहा तो कोई ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप नया भी खिंचा सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए ये क्या है, ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट, ठीक है, सरकारी हॉस्पिटल में बनता है ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट। सरकारी हॉस्पिटल में भी फॉर्म आता है, तो उसे आप फिलअप करके आप इसे जमा कर देगा तो आपको ये ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट बनाकर दे देगा, ठीक है, ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट, ठीक है। ऐसे ये ज़्यादातर मेडिकल में काम देता है, तो मेडिकल का मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, मेडिकल में बनता है। लेकिन आप पहले से ही बना कर रखिएगा तो और ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, तो इसे आप बना कर रख लीजिएगा, ठीक है, ऐसे मेडिकल में काम देता है। चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, जो कि आपका है फिजिकली चैलेंज सर्टिफिकेट। तो जो लोग दिव्यांग होते हैं, ठीक है, जो दिव्यांग है यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड है, ठीक है, मान लीजिए किसी का मतलब अगर कोई भी शरीर से उनका विकार अगर उत्पन्न है, ठीक है, शरीर से वो कुछ उनका विकार है, तो वो उनके लिए बनता है फिजिकली चैलेंज सर्टिफिकेट, ठीक है। मान लीजिए किसी को थोड़ा सा हाथ में कुछ प्रॉब्लम है, पैर में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप समझ सकते हो, ठीक है, दिव्यांग जो लोग होते हैं तो उनके लिए भी एक सर्टिफिकेट आता है, ठीक है। तो जो दिव्यांग हैं ये उन्हीं के लिए है, जो दिव्यांग नहीं है वो मत बनाइएगा, ठीक है, ये सिर्फ दिव्यांग लोगों के लिए है, ठीक है, तो ये सब आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो में कुछ पूछना है, ठीक है, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आया है तो वो आप बिल्कुल ही पूछ सकते हो, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया दे सकते हो, ठीक है। तो तब तक के लिए हम लोग वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।